खेल के मैदान से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका दौरे पर कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। टी20 टीम के कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। टी20 टीम के उप कप्तान होंगे शुभमन गिल। 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने संन्यास ले लिया था टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और अब टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। नई खेप, नई पौध के रूप में शुभमन गिल को टी20 की उप कप्तानी सौंपी गई है। वहीं वनडे की बात करें तो वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही अभी कप्तानी करेंगे, विराट कोहली भी वनडे सीरीज में खेलेंगे। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया पहुंच रही है 3 टी20 और 3 वनडे के लिए। और उधर श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को टी20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया। टी20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंप दी, वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल रहेंगे। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला पल्ले केले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से होगी। उधर भारतीय टीम ने आखिरी बार 2021 में श्रीलंका का दौरा किया था। टीम ने 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 2-1 से जीत गया था, लेकिन टी20 सीरीज में भारत को 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी। हार्दिक को इस बार टी20 की कप्तानी नहीं दिए जाने की वजह उनकी फिटनेस को बताया जा रहा है। पिछले 1 साल में हार्दिक चोट के कारण कई मैच मिस कर चुके हैं। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर टी20 कप्तानी में लॉन्ग टर्म ऑप्शन चाहते हैं। 2018 में मुंबई इंडियंस से जुड़ने से पहले सूर्य कुमार यादव 4 साल तक कोलकाता नाइट राइडर्स के उप कप्तान रहे। इस दौरान गंभीर टीम के कप्तान थे। 2018 में मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने 3,20,00,000 की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस सिलेक्शन में आपको किसी तरीके का कोई आश्चर्य हुआ क्या, या फिर जो सोचा आपने था अपने अनुभव के आधार पर वैसी ही टीम, वैसी ही कप्तानी, वो सारी सामने आई है? देखिए राजीव जी, 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था और जिससे बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो चुकी थी कि सूर्य कुमार यादव ही कप्तान बनने जा रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह थी कि गौतम गंभीर और रणजीत आगरकर दोनों चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव ही कप्तान बने, क्योंकि उनकी एक तो लोकप्रियता बहुत अच्छी है जैसे रोहित शर्मा की है, उनके पीठ पीछे भी कोई कुछ उनके लिए नहीं बोलता, और वही कुछ सूर्य कुमार यादव के साथ है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी की जब सीरीज 1-1 से बराबर रही, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की जो जिसमें भारत जो है जीता। लेकिन हार्दिक पांड्या का तजुर्बे के हिसाब से देखा जाए तो अनुभव बहुत ज्यादा था, लेकिन फिटनेस का इशू जैसा कि अभी आपने बताया वो उसको आड़े आया उनके। और लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें तो वो पूरी तरह से फिट थे। हालिया अगर उनकी फिटनेस देखी जाए, उससे पहले आईपीएल हुआ उसमें भी वो पूरी तरह से फिट थे। फिटनेस तो एक बहाना है, क्योंकि अनफिट तो सूर्य कुमार यादव भी हुए, उनके भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, वो भी टीम से बाहर रहे हैं समय समय पर। तो क्योंकि ये दोनों चाहते थे, जय शाह साहब ने हालांकि पैरवी की हार्दिक पांड्या की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज्यादा उसमें फिट बैठे, और क्योंकि दोनों दिग्गज चाहते थे कि ये इसमें शामिल उनको किया जाए कप्तान के तौर पर। ये आश्चर्य इसलिए नहीं लगा क्योंकि 2 दिन पहले से ही इसकी भूमिका तैयार हो गई थी, लेकिन आश्चर्य इस बात पे हुआ कि अभिषेक शर्मा जो कि जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे में के हालिया दौरे में सेंचुरी बनाई, उनका टीम में कहीं नाम नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 2 शानदार अच्छी पारियां खेली, उनका नाम इस पूरी टीम में नहीं है, ना टी20 में ना ओडीआई में। संजू सैमसन जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में क्षमा कीजिएगा पिछले जो सीरीज थी भारत की वनडे की सीरीज उसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी संजू सैमसन ने, लेकिन उनका नाम वनडे की टीम में नहीं है, टी20 के में ही रखा गया है, और टी20 में उनको मौका मिलने वाला नहीं है क्योंकि सामने उनके साथ जो है
ऋषभ पंत वहां पर मौजूद हैं, तो यही T20 वर्ल्ड कप में उनके साथ हुआ। वो बेचारे अच्छा परफॉर्मेंस तभी करते हैं जब उनको कभी कोई मौका मिलता है। अब उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर मुझे लगता है टीम प्रबंधन को भी थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा, थोड़ा लचीला रुख यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। लेकिन मैं अब आ जाता हूँ सीधे सीधे क्रिकेट और श्रीलंका के बीच भारत के इस मुकाबले को लेकर। 2021 के बाद भारत ये दौरा करने जा रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन हमने T20 चैंपियनशिप के वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा था। मुकाबला किस तरीके का होने की उम्मीद है और भारत के किन खिलाड़ियों पर आपकी नज़र रहेगी? देखिए, अच्छी बात तो है, जहां तक अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो उसमें विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, दोनों आ गए हैं। दोनों के लिए आग्रह किया गया था कि आप टीम में आए, क्योंकि एक अमेरिका बैठे हुए थे, एक लंदन बैठे हुए थे, वो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके यहां पर आए हैं। तो भारत ने, एक तो अच्छी बात यह है कि बहुत गंभीरता दिखाई है इस दौरे के चयन के लिए भारतीय टीम के लिए। तो अब क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है अपने मुल्क में काफी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, स्पिनर्स स्पिन फ्रेंडली विकटें होंगी, तो वहां हमारे स्पिनर्स की भूमिका बढ़ जाएगी। वाशिंगटन सुंदर को दोनों फॉर्मेट में शामिल किया गया। एक आपने गौर किया होगा कि भारतीय टीम में ज्यादातर उन खिलाड़ियों को तवज्जो दिया गया है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हो, जो बैट्समैन बॉलिंग कर सकते हो या जो बॉलर बैटिंग कर सकते हो। वाशिंगटन सुंदर को यही बात ध्यान में रखते हुए टीम में चुना गया, और तो और रियान पराग को भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम में चुना गया। हालांकि मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद आईपीएल में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें उतने मौके नहीं मिल पाए। वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, और मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने काफी विकेट भी चटकाए हैं, तो उनका चयन दोनों टीमों में किया गया है। तो अब क्योंकि 2026 पर नजरें हैं, 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर, उन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन किया गया है। दूरदर्शी सोच दिखाई गई है, लेकिन अब वही है कि टीम में, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी तो उतने ही चुने जाएंगे ना, 15-15 खिलाड़ी चुने जाएंगे दोनों टीमों में, तो ऐसी स्थिति में बजाय कि उसको दौरे में घुमा के लेके आए, उससे अच्छा है कि उनको ड्रॉप करके आप कुछ खिलाड़ियों को आप बाद की किसी सीरीज में टीम में शामिल करें, तो वही कुछ कोशिश की गई है इस बार। हार्दिक पांड्या को लेकर आप क्या सोचते हैं मनोज जी? हार्दिक पांड्या अपने निजी जीवन में भी उलझे हुए हैं और हेल्थ वाइज भी वो ठीक नहीं रहे हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान। क्या ये माना जाए कि हार्दिक पांड्या अब उनके रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू कर दी गई है? देखिए, एक बतौर खिलाड़ी उनका रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है भारतीय टीम में। कप्तान के तौर पर आप रख सकते हैं किसी को भी, लेकिन सूर्य कुमार यादव को भी जो कप्तानी दी गई है ना उनकी जगह पर, वो इस शर्त पर दी गई है कि अगर इनका परफॉर्मेंस आगे अच्छा नहीं रहता है, बतौर कप्तान ये उतने सफल नहीं रहते हैं, तो कप्तान को रिप्लेस कर दिया जाएगा और वापस हार्दिक पांड्या पर भी आया जा सकता है। तो हार्दिक पांड्या के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। दरअसल उनके खिलाफ कुछ शिकायतें इतनी ज्यादा हो गई थी हार्दिक पांड्या के खिलाफ। फिटनेस कोई इश्यू नहीं है इस समय, फिटनेस की बात कही जरूर गई, लेकिन हालिया जैसा कि मैंने कहा, जितने भी दौरे हुए T20 वर्ल्ड कप IPL, इन सब में उनकी फिटनेस पूरी तरह से दुरुस्त रही, क्योंकि फिटनेस का इशू पिछले साल था जब ODI वर्ल्ड कप में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई थी और उसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो ऐसी स्थिति में हार्दिक पांड्या जो है, फिटनेस का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन चाहते थे, बदलाव चाहते थे, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें बहुत ज्यादा आ गई थी। आप याद कीजिए, जब IPL चल रहा था और मुंबई इंडियंस की तरफ से जो है तिलक वर्मा, जिन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के लिए, वो तिलक वर्मा जो है उस तरह का शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद वो एक खराब शॉट पर आउट हुए, तो उनको ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना खराब हो गया कि हार्दिक पांड्या ने उनको सबके बीच में अच्छी खासी फटकार लगाई थी। और इस बात से जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने टीम प्रबंधन को, टॉप लेवल के लोगों को उसकी शिकायत की, मालिकों तक, टीम ओनर तक उनकी शिकायत गई। इसके अलावा और भी कई शिकायतें, मोहम्मद शमी की एक शिकायत थी, जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब मुकाबला चल रहा था, पहला गुजरात टाइटंस का मुकाबला चल रहा था पिछले पहले सीजन में, तो एक कैच को लेकर, क्योंकि वो एक फर्स्ट बाउंस उन्होंने गेंद को पकड़ के फील्ड करके गेंद फेंकी थी, उन्होंने कहा आपको कैच पकड़नी चाहिए थी, और उन्होंने मोहम्मद शमी की क्लास लगा दी। शमी उनसे बहुत तजुर्बे में अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं,
तो ये सारी चीजें ठीक है, प्रोफेशनल अप्रोच है उनकी, लेकिन जो खिलाड़ी है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की बजाय, ऐसा कप्तान नहीं चाहते जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, वो ऐसा चाहते हैं जो बिल्कुल भाईचारे के साथ उनके साथ काम करें। तो वो रोहित शर्मा भी थे रहे हैं और सूर्य कुमार यादव में भी वो झलक दिखाई देती है। सूर्य कुमार यादव में वही चीज़ दिखाई दी। लेकिन अब मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि हम सुबह सवेरे क्रिकेट को लेकर बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने टीम अनाउंस की है, श्रीलंका का दौरा है 4 साल के बाद, करीब 4 साल। श्रीलंका की वो टीम कभी जिसमें जयवर्धने हुआ करते थे, जयसूर्या हुआ करते थे, संगकारा हुआ करते थे, ये नामी खिलाड़ी, इस स्तर के खिलाड़ी अब श्रीलंका की टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन श्रीलंका की टीम में आप किनको पॉसिबल्स मानते हैं जो भारत के सामने चुनौती बन सकते हैं? क्या ऐसे खिलाड़ी अभी हैं श्रीलंका के पास जो रेजिस्ट कर पाए, खड़े हो पाए, दमखम दिखा पाए? देखिए, एंड्रयू है और उसके अलावा चंडीमल भी खेलते हैं बीच बीच में, और थोड़ा सा बिखराव है और मैं समझता हूँ कि वो दौर भी उनका निकल जाएगा, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके पास। हाँ, अगर आप तुलना उनसे करते हैं, महिला जयवर्धने का आपने नाम लिया, कुमार संगकारा है, या फिर तीसरे जो जयसूर्या दिलशान है, या एक जमाने में मुरलीधरन हुआ करते थे, वो सब तो नहीं है उनके पास, लेकिन तुषारा से लेकर कई ऐसे खिलाड़ी प्रतिभाशाली है इस टीम में, क्योंकि अपने देश में खेल रहे हैं और अपने देश में इनके स्पिनर्स जो हैं काफी कहर बरपा सकते हैं, तो उनको मैं समझता हूं बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होगी। और हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको भी मौका मिलता है, उनके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा श्रीलंका का दौरा। अच्छा मनोज जी, भारत की टीम के लिए पहले भी कहा जाता था, अब तो उतना नहीं कहा जाता, लेकिन वो कहते ना एक एक, एक चीज अगर चस्पा हो जाती है तो छूटते छूटते समय लगता है, कहा जाता था अपने घर की शेर है, इसके अलावा कहीं भी जाएगी तो भारत की टीम लड़खड़ाएगी। क्या आप मानते हैं कि भारत की टीम अब लड़खड़ा सकती है? यह आप थोड़ा सा पिछले दौर में ले गए हैं भारतीय टीम को, बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब अजहरुद्दीन टीम के कप्तान थे, अजीत वाडेकर टीम के कोच थे, हमने अर्ली 90s में देखा जब भारत ने दिग्गज टीमों को हराया, लेकिन विदेश में जाकर हम नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन सौरभ गांगुली जब टीम के कप्तान बने तो ये मिथ जो है टूटा धीरे धीरे। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हमने जिस तरह से न्यूजीलैंड में 41 वर्षों के बाद कोई सीरीज जीती, वो अपने आप में काबिले तारीफ था, एक इतिहास रचा गया। और उसके बाद विराट कोहली की कप्तानी में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो पहले तो हमारा ये कहकर महत्व कम करने की कोशिश की गई, खासकर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने, वकार यूनिस भी उनमें से एक थे, कि इसमें दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, इसमें स्टीव स्मिथ नहीं थे, इसमें वार्नर नहीं थे, इसलिए भारत ने कमजोर ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा दिया। लेकिन जब दूसरा दौरा था तो उसमें भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये कुछ तुक्का नहीं था, ये बात साबित कर दी भारतीय खिलाड़ियों ने। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार हराना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक बेमिसाल था, और वो भी तब जबकि भारत के पास के ज्यादातर खिलाड़ी चोटिल हो गए थे उस दौरे में, और हमने ढूंढ ढूंढ के अपने प्लेयर इकट्ठे किए, यानी जो हमारे पास जो नेट बॉलर थे उनको हमने खिलाया, हमने नटराजन को खिलाया, हमने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, और यही एसेट साबित हो गए भारतीय टीम के लिए। और नटराजन तब अकेले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में एक ही दौरे में डेब्यू किया, और वो भी बेहतरीन उनके प्रदर्शन के साथ, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हुआ करते थे, तो उस वक्त हमने हराया उनको। तो उसके बाद ये सिलसिला चला, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, सीरीज नहीं जीते लेकिन हमने उनको उन पर बढ़त बनाई वहां पर जाकर। लेकिन यही है कि अब श्रीलंका को भी हम हरा चुके हैं, पहले ऐसा नहीं है, लेकिन श्रीलंका की जो घुमावदार पिछे हैं उनकी ताकत भी वही है जो भारत की ताकत है, तो वो ओवरसीज कंडीशन जो होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की एकदम अलग होती है, इंग्लैंड की एकदम अलग होती है, श्रीलंका की बिल्कुल अलग होती है, हमसे काफी मेल खाती हैं, तो इसलिए अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इन खिलाड़ियों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, इनका महत्व अपने आप बढ़ जाता है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सब कॉन्टिनेंट की जो बात करें, सब कॉन्टिनेंट, वैसे हर खेल का प्रेमी इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करता, वो ये देखता है कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कई फैक्टर्स होते हैं जो असर डालते हैं प्रदर्शन पर। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, मॉनसून का सीज़न है, और इससे श्रीलंका पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा असर वहाँ भी है, अछूता तो नहीं है, तो क्या ये सब असर डालेगा मैचेस में T20 और वनडे में? देखिए जी, थोड़ा बहुत तो असर पड़ सकता है बिल्कुल, और किस तरीके का असर पड़ सकता है जी?
और किस तरीके का असर पड़ सकता है मौसम के इस बदलाव का? देखिए, उसका असर जो है, मैं तो हर चीज को कहूंगा, जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनको पॉजिटिव अपना रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि जब बारिश का माहौल होता है और उस वक्त खेल अगर एक घंटा दो घंटा होने की स्थिति होती है तो आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होता है और आपको अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता लानी होती है और गेंदबाजी भी इस तरह की करनी होती है कि उसमें ज्यादा रन ना बन पाए, ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाएं, क्योंकि जो डकवर्थ लुईस नियम जो लागू किया जाता है बारिश के माहौल में, उसमें आपने जितनी विकेटें ज्यादा खो दी उतना ही आपको नुकसान होगा। तो विकेट बचाकर खेलना और रन बनाना तेजी से, ये एक बहुत बड़ी कला होती है, इसको सीखना होगा, जो आगे भविष्य में भारत के भी बहुत काम आ सकती है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, उसमें ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो ये खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सीख होगी। अब तो आप देखिए, सूर्य कुमार यादव का चयन वनडे क्रिकेट में नहीं किया गया है, रियान पराग को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। तो ये युवा खिलाड़ी कितना अपने आप को एडेप्टेबिलिटी या ढाल सकते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।